आज जो जिनका बढ़ता हुआ हुजूम आज ये संदेश लेकर आया है कि अरबंसी समाज 2022 में माननीय अध्यक्ष यादव जी की माननीय उपदास रावत की सरकार बनाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण हो रहा है, आप लोग झंडा उठाकर उनका स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय उपदास राज जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय उपदास राज जिंदाबाद। आप अपने झंडा उठाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ये लाल और पीला ये झंडा उत्तर प्रदेश की इतिहास की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश को अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी ने पिछली
उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ माननीय अखिलेश यादव जी को चुनने और देखने के लिए गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक खड़े थे। ऐसे नहीं खड़े थे, आपको मालूम है कि ऊपर किराए से लोग नहीं आ गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी को देखने और चुनने आए थे। और रात हो गई, रात से सवेरा हो गया, लेकिन लाखों का हुजूम खत्म नहीं हुआ। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी सरकार को और हमारे नेता को बदनाम करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां है हमारी सरकार को एक जात की सरकार बताते थे। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहां राजभर का बेटा कलेक्टर है, कहां रघुवंशी का बेटा कलेक्टर है, कहां चौरसिया का बेटा कलेक्टर है, कहां प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, कहां पाल का बेटा कलेक्टर है, कहां धनगर का बेटा कलेक्टर है। बताए सरकार कहीं नहीं है, केवल हम हमारे बैकवर्ड लोगों को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। आपकी बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक और समान वर्ग के लोग भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं तो मल्ला निषाद का बेटा हूं और हमारे समाज को तो अपमानित करने का काम किया। हमारे निषाद समाज के महापुरुष थे, उनकी छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। महर्षि कश्यप की छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। मछुआ आवाज बंद करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कलेक्टर नहीं है बैकवर्ड और दलित के लिए, कलेक्टर नहीं कप्तान नहीं कोतवाल नहीं कुलपति नहीं और ना ही जाति जनगणना कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हरदोई जनपद में आए और इस रघुवंशी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछड़े से पिछड़े जातियों को जो गरीब जातियां थी उनको भी सम्मान देने का काम किया है। आज जिस तरीके का जनसैलाब माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वो उन्हीं के फीते काट रहे हैं, एक भी काम उनका नहीं है। और साथ ही साथ में ये मल्ला निषाद का बेटा है और हम लोग समंदर में भी शिकार करना जानते हैं। ए बाबा जी, आपने हमारे समाज को लौटाने का काम किया है। इस बार हम पिछड़े और दलित वर्ग के लोग मिलके और सभी समाजों के लोग मिलके आपकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप कलेक्टर के सीएम हो सकते हो, आप कोतवाल के सीएम हो सकते हो, लेकिन जनता का कोई सीएम है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। माननीय अखिलेश यादव जी है, जनता उनके साथ में है और योगी जी के साथ में केवल कलेक्टर और कप्तान है, वो भी छोड़ देंगे। अभी माननीय अखिलेश यादव जी 3 महीने में सीएम बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और माननीय अखिलेश यादव जी का और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इस सम्मेलन में आए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय सुनील रघुवंशी जी, प्रेस अध्यक्ष सुभाषपा माननीय सुनील रघुवंशी जी जल्दी से आए और अपने विचार व्यक्त करें स्वागत भाषण के रूप में। भाई सुनील रघुवंशी जी, माननीय सुनील रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा। इस ओर भारतीय समाज पार्टी के जो यहाँ पर रहकर काम किया होल टाइम है उधर रामधन पासवान, अरविंद राजभर, अर्जुन चौहान, रत्नेश राजभर, संदीप राजभर, सरविंद राजभर, पारस मिश्रा, लालजी राजभर, रमेश सिंह चौहान, सीपी निषाद, अरविंद राजभर, आजमगढ़, राजेश सिंह, वीरेंद्र राजभर, रामाशेख पासवान, रमाकांत कश्यप, पवनमणि कश्यप, प्रभाकर जायसवाल, विश्व प्रताप निराला, परशुराम राजभर, रामजीत राजभर, कृपया दाहिने साइड में आ जाए। दाहिने से जितने लोग नाम बोलो दाहिने साइड में आ जाए। मंच के दाहिने साइड में आरिफ मोहम्मद आरिफ, ये सभी लोग दाहिने साइड मंच पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम महाराजा सलीम सिंह अरबंसी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, महाराजा सोहलो राजभर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी को नमन वंदन करते हुए, मंच पे आसीन हमारे मंचा सिंह कार्यकर्ता पदाधिकारी को नमन
भवन वंदन करते हुए सामने बैठे पिता के बुजुर्गों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज आपने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश से बाबा जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम संडिला की धरती से मध्य में शुरू करने का काम कर दिया। साथियों आज माननीय जी को दिखाने का काम करिए कि ये पीला और लाल गमछा और पीला और लाल झंडा पूरे उत्तर प्रदेश पे इसी संडिला की धरती से काबिज होने जा रहा है, लहराकर आप लोग अभिनंदन करने का काम करिए। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुनील जोशी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में मैं श्री बाबूराम पाल जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उदय पार्टी के बाबूराम पाल जी। सभी महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हरदोई के पावन पवित्र भूमि पे महाराजा साहिल सिंह और गणेश जी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित ओम प्रकाश राजभर जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, युवाओं के दिलों के धड़कन, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी पूर्व वर्तमान सांसद विधायक अतिथिगण, सभा में उपस्थित नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, केसर का गंधले के पूर्वा चल रहा, और आज माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी लोगों को लेकर के पूर्वांचल की धरती से संकल्प लेकर के 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्वांचल की धरती से एक संघर्ष लेकर के एक संकल्प लेकर के चले हुए हैं कि 22 में मंत्री माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाना है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा समाज पांच समाज उपजाऊ समाज है, एक पूरी ताकत के साथ जहां लग जाता है सरकार उन्हें के बनती है। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से भागीदारी के तर्ज पे कि पूरे तरीके से पांच समाज मिलकर के 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बना करके मुख्यमंत्री बनाना चाहता है साथियों। और आज यहाँ पे मंच पे हमारे पाल समाज के लाल सुभाष पाल जी उपस्थित हैं, पाल समाज के एक तारा है। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सभी लोगों को सुभाष पाल जी के लिए हो जाए। साथियों इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा, जय राष्ट्रीय पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद मनी जी को। और इसके बाद मैं ये जो स्मृति चिन्ह देने का और स्वागत का समय है जो चल रहा है, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जागो और पुरुष के वीरों समय पुकार रहा है, कि जागो और पुरुष के वीरों समय पुकार रहा है। इस भारत का भाग्य तुम्हारी ओर निहार रहा है और दुनिया को गौरवशाली इतिहास बताना होगा। अब अर्थवंश का झंडा भारत में फहराना होगा, अर्थवंश का झंडा भारत में फहराना होगा। इसके बाद में आमंत्रित करता हूं प्रेमचंद प्रजापति जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी के माने प्रेमचंद प्रजापति जी। भैया हो गया ना, अरे आओ जल्दी से। सर्वप्रथम महाराजा सल्ली सिंह हरवंशी जी को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माता हीराबाई होलकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार, प्रजापति संत राम दिए, देश के तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आज संडिला की धरती पर पधारे नौजवान साथियों, माताएं बहने और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के अगुआ मेरे भाई श्री अखिलेश यादव जी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी,
राजभर जी सभी को प्रणाम करते हुए, साथियों आज है हरदोई की धरती, संडीला की धरती से यह मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमान सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी की बेईमान सरकार को इस देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। साथियों आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्पीड़न बढ़ा है, अभी 15 दिन पहले लखनऊ के जेल में रुपेश प्रजापति की हत्या, मैनपुरी में 5 प्रजापति को जिंदा जला दिया गया, गोरखपुर में प्रजापति की हत्या, बांदा में प्रजापति की हत्या, जौनपुर में प्रजापति की हत्या, बनारस में प्रजापति की हत्या, जो ये लगातार जितनी भी दबी कुचली जातियां है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी हत्या कराई जा रही है। इस अपमान का बदला 2022 के चुनाव में लेना है साथियों। और तो और जिस तरह से इस देश को निजीकरण करके भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है, इसका भी हिसाब किताब हम लोगों को साथियों 2022 के चुनाव में लेना है। आज जितने भी दबी कुचली जातियों के धार्मिक स्थल हैं, जितने भी दबी कुचली जातियों के धार्मिक स्थल हैं, सारे स्थलों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडा कब्जा करने पर लगे हैं, सभी के नाम चंद किए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा अभी प्रजापति समाज के जो भाई आए हैं वो मेरी बात को सुन ले, हरिद्वार में जिस तरह से महाराजा दक्ष का जो मंदिर बनाया गया था उस पर गुंडों ने कब्जा किया भारतीय जनता पार्टी का, इसका भी हिसाब किताब हम लोगों के 2022 के चुनाव में लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, बस मैं एक नारा लगा करके मैं सीधे सीधे अपने मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करूंगा। ये बतावा 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो कि ना हो, आवाज में दम ना आते, जोर से बोला हो कि ना हो। कितने लोग भाजपा का सफाया करना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताइए। तो आज ये संडीला का मैदान, जनपद हरदोई का मैदान, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सफाया का दूसरा चैप्टर ये है। पहला चैप्टर हम लोगों ने मऊ में किया था और जब से मऊ में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने खदेड़ा का नारा दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान भी लड़खड़ाने लगे हैं। कहना क्या चाहिए कह कुछ और रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तेरे दिल में ना सही मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग बस आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ता समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, जय अरकवंश। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिंदा भारत, जिंदा भारत। राममूर्ति अरकवंशी जी मंच पर आने, मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई भाषण तो बहुत सुनला नेता लोगन के, यहाँ जितना लोग आयल हुआ चाहे उधर हेलीकॉप्टर पकड़ के बैठल हो चाहे इधर मंच के इधर खड़ा हो, देखा नहीं बान इधर ई बतावा कितना लोग ये सरकार में बिजली के बिल से परेशान हुआ तो हाथ उठावा, नहीं हमरे कि नहीं दोनों हाथ उठावा जे जे परेशान हो। उधर भाई हेलीकॉप्टर देखे वाला साथी जो नायल हमन
हाथ उठावा जेके जेके बिजली के बिल से परेशानी बा। आज यहाँ संडीला की धरती पर महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी के मूर्ति स्थापना के अवसर पर आज माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, ये ओम प्रकाश राजभर कहता है। आप बताओ कितना लोग माफ कराना चाहते हो, माफ कराना चाहते हो ना? तो ये बताओ लड़ाई के लड़ी, ये लड़ाई के लड़ी, दोनों हाथ उठाओ जे जे लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ोगे ना? अब आगे देखो, दूसर बात, यहाँ जितना लोग आयल हुआ, पहले तो ये तय हो जाए, बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं, बहुत से एलआईओ के साथी भी होंगे, कुछ बीजेपी के भी नेता आए होंगे देखने के लिए कि देखी का बा। अच्छा यहाँ ये बतावा कि आजमगढ़ मंडल, बलिया मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, बनारस मंडल, विंध्याचल मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, इधर से तो कोई ना नया आयल हो, इधर से कोई ना नया आयल हो। अब हम आपके जिला की नौबत है सीतापुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ के कुछ हिस्सा, इतना दूर से के आलो तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा जे लोकल हिया से आयल है, ये 4 जिला से लोग आयल हुआ। ए बदे हम कहते कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपाई कुल जाके कहियन, दुनिया में झूठ बोला वाला नेता अगर कहीं मिलियन तो भारतीय जनता पार्टी में मिलियन। आप बतावा यहाँ जितना लोग आयल हुआ के महंगाई से परेशान हो, महंगाई से परेशान हुआ? आप बतावा, देखा हमार बात ध्यान से सुना, अब अभी प्रदेश और देश में चुनाव भेल है, उपचुनाव, जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सब जगह हार गई बाई इलेक्शन, तब 12 रुपया डीजल पेट्रोल कम हो गया, 12 रुपया कम हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर से विदाई कर दा, पेट्रोल डीजल का दाम आधा हो जाइए, ओम प्रकाश राजभर का आत्मन बोला कितना जने पेट्रोल डीजल का दाम आधा करल चाहत हुआ, हाथ उठावा, करल चाहत हुआ ना? अब देखा भैया बैठल हुआ, ये मत सोचिया ये ओम प्रकाश राजभर हुआ, 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला के मानेगा ये ओम प्रकाश राजभर। हम लोग वैसा ना घूमिला, हमरे भैया प्रेमचंद प्रजापति जी हुआ, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्र उदय पार्टी के, सब अपने अपने बिरादरी के घेरा था। ऐसा ना बा, आप देखा सतीश बंजारा, लोग ना न सुन ले हुए कि बंजारा का होला, पूरे उत्तर प्रदेश में बंजारा मन मिजाज बना चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना हिस्सा भी लेने की बात हम करेंगे। और देखा का होई, आप बतावा जे करे घरे 10 परिवार में 10 लोग हो और राशन कार्ड में 4 लोगन का नाम हो, तब बतावा सबके राशन मिली, राशन मिली सबके ना मिली? यही बदे हम लोग तय कैले है, माननीय अखिलेश यादव जी तय किए हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले जातिवार जनगणना कराई जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी करा दिया जाएगा कि कौन कौन जाति कितनी आबादी है। बोला कितना लोग चाहते हुआ जातिवार जनगणना करावल, करावल चाहते हैं ना? यहाँ लोग ना जानत रहना कि धरोहर कबंसी रहलन, बंजारा रहलन, कश्यप रहलन, भाजपा वाले कहना कि कुल हमारे झोला में हूं, तो घबरा मत,
तोरे झोरा नीचे से ओम प्रकाश राजभर फाड़ दे हमन नीचे मन से सड़क गल में पता ना बा। अब देखा इन्होंने का बयान एक इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता बा सुधांशु द्विवेदी पता नहीं एक बोला का सहुर हो कि ना हो। अभी फूलन देवी के ऊपर जो टिप्पणी किया है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निषाद बिंद के बटमल्ला माझी मजवार तुरा तुरैया के लोगों इसका अपमान का बदला जो हमारी बहन के साथ बोला है इसका अपमान का बदला 2022 में वोट की चोट से देना है। इसको बता देना है कि अगर तुम हमारी बहन के साथ इस तरह की भाषा बोलोगे तो हम वोट की चोट के बल पे तुझे सत्ता से बेदखल करके बताएंगे। ये सोचते हैं कि कोई बोलेगा नहीं लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर है हमार बहुत साफ साफ बात हो। ये बतावा माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बैठल हुआ भीतर भीतर मुस्कियात है अभी सोचा दुनिया की काका ही कहत हुआ। देखा जितना गरीब हमन हम लोग चाहते 22 में सरकार बनावा और गरीबन का इलाज फ्री में जितना रुपया लगी उतना रुपया माननीय मुख्यमंत्री से लेवल जाए। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना लोग चाहत हुआ जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है यार जोरदार ताली बजाइए। आप देखा है आगे का हाल हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग कहलक किसानन का धन दुगुना करत है। आप देखाई कैसे करल एक बार माननीय अखिलेश यादव जी काफिला आवत रहा जाम लग गया चौराहे पर तब से पत्रकार भाई पहुंच गए पूछे कि माननीय अखिलेश यादव जी आपके 5 साल में सबसे अच्छी योजना आपकी कौन सी थी? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा देखो वो चौराहे पर जो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि बताओ इसका क्या काम है? कहा कहीं जुल्म जाती अत्याचार होता कहीं विवाद होता है 100 नंबर पे फोन करने पर वो गाड़ी चली जाती है उसको न्याय दिलाने का काम करती है वो गाड़ी। और सवेरे भैया योगी जी पढ़ ले अखबार में सवेरे योगी जी पढ़ लेलन पत्रकार भाई के बोलौलन तब पत्रकार भाई पूछलन कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल चौराहे पर हजरतगंज चौराहे पर माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने पूछा कि आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी है? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन। तब से योगी जी कह रहे हैं कि जो चौराहे पर सार खड़ा है वो हमारी देन है। तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि तोरे सार का काम का हो? पत्रकार भाइयों ने पूछा कि भैया तोरे सार का काम का हो मुख्यमंत्री जी? कहे किसानन का धन दुगुना कर। अब बतावा यह तो इनका लोन का योजना बा यही बदे हम लोग सोचले भाई मन बनौले भाई कि देखा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है। बोलो कराना है कि नहीं कराना है? 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ ये ओम प्रकाश राजभर। अभी तो हम लखनऊ आयल है ये लखनऊ मंडल है ना अब वही जा थीला बुंदेलखंड ओकरे बाद जब सहारनपुर अलीगढ़ आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश के 18 मंडल 75 जिला में ओम प्रकाश राजभर ललकारेगा। अहिर गड़ेरी कुंडी कोरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला जोहा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोर खरवार भूमिहार बिहार नाई खंगार आरागर मसी बंजारा बहेलिया खंगार सभी को मैं ललकार रहा हूँ। घबराओ नहीं ये राजभर है समझ रहे हो ना? अच्छा ये बतावा कितना जने के हमार बात ठीक लगा था लड़ाई सही हो ना? कितना जने के लड़ाई सही लगा तो हाथ उठा सही हो ना? देखा हमने का पोहे चौकीदार बेचारे हैं माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी 1000 रुपया चौकीदारन का बढ़ा के 2500 कर दिए और आपको सीएम बना करके मैं कह रहा हूं कि चौकीदारों का भी मानदेय आपको बढ़ाना पड़ेगा ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है।
गोला बढ़े के चाहिए कि न बढ़े के चाहिए चौकीदार कमाल। जब नेतन का तनख्वाह बढ़ाता तो चौकीदार के कहे न बढ़े, सही रही कि ना सही रही। और देखा आगे खेल का होई, हमारे पुलिस विभाग के तमाम साथी हैं, सभी विभागों में 8 घंटा ड्यूटी बा, हर साप्ताहिक छुट्टी बा, आ यहाँ 24 घंटा ड्यूटी बा, छुट्टी का नाम है ना ला, घरे परिवार कोई बीमार हो गए तो छुट्टी का दरखास्त पड़ा ला, तब कप्तान सुनबे नहीं करता। ए बदे अब कानून बने के चाहिए कि पुलिस विभाग भी 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी का भी घोषणा हो के चाहिए। और कहो के चाहिए बॉर्डर सीमा जमन रोक लगल बा, बॉर्डर सीमा वो भी बॉर्डर सीमा खत्म करके बगल के जिले में पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये भी अपने परिवार के साथ रह सके। बोला सही रही कि ना सही रही, सही रही ना। इसी तरह पीआरडी के जवान हैं, उन जवानों को भी कहूंगा लगो सब लोग इस चुनाव में, सभी लोग लगो। और ओम प्रकाश राजभर हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेके बाबा के यहां जाते हैं तो लात खाते हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेके जाते हैं तो बाबा के यहां लात खाते हैं। 22 में सरकार बनाओ और माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि तेरी पुरानी पेंशन बहार करूंगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। और आगे सुनो, देख लो, ये बताओ अपने बिजली बिल माफी के लिए एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू कराना है। बोलो सही है कि नहीं सही है। स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर वंचित समाज को शिक्षा का दरवाजा बिना पैसे में पढ़ाने का कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए घूम रहे। और बाबा क्या कर रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं कि मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। अरे बाबा जी अब घबराओ नहीं, 100 दिन बाकी बा, 100 दिन के बाद तक वहां घंटा बजे वही के हुई। ये सोचा तो बा ओम प्रकाश राजभर बगला गल हुआ सब भजपैया, आप लोग बतावा हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ोगे कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? कितने लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, हाथ उठाओ। देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपको हिंदू बनाने में लगे हैं, कान खोल के सुन लो, ये बोलते हैं बीजेपी के नेता हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, अब मुख्यमंत्री हिंदू, तो कैसे खतरा बा भैया? बोला कैसे खतरा बा, खतरा हिंदू खतरे में ना बा, योगी मोदी का कुर्सी खतरे में बा। ये समझ ला, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हमको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर ये आते हैं भाजपा ही, अगर ये कहते हैं कि नहीं हिंदू एक हो जाओ, तो खतरा तो मुसलमान सिख ईसाई के होए के चाहिए जेकर कोई ना बा, लेकिन खतरा देखाओ तुमन, घबरा मत। ई ओम प्रकाश राजभर कहा हूं 22 में योगी जी गोरखपुर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाते हो वहां पहुंचाऊंगा भैया, और क्या करूंगा, घबराओ नहीं। एक थे बेचारा मोदी जी, ई कहा पिछड़ी जाति कही, कैसे हुआ तुम 72 घंटे में गरीब समर को आप 10% आरक्षण दे दिया, हम उसका स्वागत करते हैं आप दे दिए, लेकिन 62% पिछड़ों की आबादी है, इनको भी अगर पिछड़ों के नेता बनते हो तो 52% रिजर्वेशन पिछड़ों को भी देने का काम करो, तब मैं मानूंगा कि पिछड़ों के नेता हो। भाषण मारते हैं मोदी जी, दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। आप देखा ही कैसे झूठ बोलना, ई बोलन सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा, ले रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया,
भाषण दिया। हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियो बेच दिलस। अब ले अब चिल्ला तुमन, अब एयरपोर्ट का उद्घाटन कैला खूब चिल्ला थमन। अरे मोदी जी ई गरीब न समझी तो हर चाल, लेकिन ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग समझ गए है। जब आपने बना बनाया एयरपोर्ट आपने अडानी को बेच दिया, अडानी को इतना कमवाया कि एशिया में एक नंबर का अमीर बना दिया, तो उसको भी बनाकर तुम अडानी को बेचने की तैयारी करते हो। हमको धोखा देने की बात मत करो योगी और मोदी। यही बदे हम कहते हैं कि आप बतावा ये लड़ाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। कितना जने चाहत हो कि लड़ाई होए के चाहिए। और देखा इन्होंने प्रचार करियन हमार मुड़ी काट के कोई में लगा दी हन, हमार मुड़ी काट के कोई के मुड़ी में लगा दी हन। अब बाजा में बजावा लगी हन कि ओम प्रकाश राजभर के आवाज वो निकले लगी। इसे सावधान रहिया, ये भाजपाई हुमन इन्होंने के बात पर यकीन मत करिया। अगर इन्होंने कहे कि ओम प्रकाश राजभर को खरीद लिया तो कह दिया कि तुरे दादा का औकात ना हो जो ओम प्रकाश राजभर के खरीद ली। ये बता देता हूं, बता दीजिएगा कोई भी अफवाह किसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाएंगे चुनाव में, कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ गए, तो उनसे कह देना कि बूथ पर वोट देने के बाद तब हम ओम प्रकाश का पता लगाएंगे। धरती पर कोई माइकलाल पैदा नहीं, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब नीचे किसी की औकात नहीं जो ओम प्रकाश राजभर को मार सके। ये ध्यान रखना, इनके अफवाह में कभी मत पड़ना। हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे, और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना के मानूंगा। बोलो कितने लोग सीएम बनाना चाहते हो, हाथ उठाओ। बनाना चाहते हो ना, तो यहां से जाने के बाद, यहां से जाने के बाद अपने अपने पड़ोसी के बताओ कि देखो अखिलेश जी को सीएम बनाओगे तो तोरे घरे का बिजली का बिल माफ हो जाए। 5 साल लगातार माफ होगा। अगर अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओगे तो तेरे गरीब तेरे घर कोई बीमार होगा तो बिना पैसे में इलाज तेरा कराया जाएगा। ये प्रचार करो। तीसरा प्रचार करो कि माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओगे तो एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कानून हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो बताओ कितने लोग प्रचार करोगे। और भैया देखा हाथ नीचे करा मर्दे, ई बतावा ई भैया अर्कवंशी जी लोग यहाँ आये हुआ 5 साल से तोरे बीच में हम घूमत है। 5 साल से चाहे वो पलिया हो, निघासन हो, गोला हो, चाहे आपके महोली हो, मिश्रिक हो, चाहे संडीला हो, गोपा मऊ हो, चाहे इधर कहीं भी हो, चाहे मेरठ तक हो, चाहे बांदा हो, चाहे झांसी मंडल हो, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके अर्कवंशी को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आरक को, अर्कवंशी को, खनार को, बंजारा को, बहेलिया को, बारी को, बिहार को जगाने का काम कर रहा हूं। आपने इस बार नहीं जागा, ओम प्रकाश राजभर की बात को नहीं माना तो फिर धरती पर 75 साल के बाद कोई ओम प्रकाश पैदा होगा, नहीं तो शायद पैदा नहीं होगा। साथियों इस नाते अर्कवंशी समाज के लोगों कान खोल के सुन लो, तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर निकला, वंचित समाज के लिए निकला हूं और तुझे हिस्सा दिला के मानूंगा। खाली मन बना के तेरे बीच में आरएसएस के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे और तुझे कहेंगे कि तुम छत्री हो, कहेंगे तुम छत्री हो। उनसे बता देना कि हम छत्री बाद में हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे पहले एक नंबर पर हम अर्कवंशी है, इस नाते में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात आपको करनी है, तो बोलो करोगे कि नहीं। कितने लोग करोगे जरा हाथ उठाओ, करोगे ना। और देखो हमारे राममूर्ति अर्कवंशी जी यहीं कहीं हो गए, इधर राममूर्ति जी इधर आइए। गया प्रसाद अर्कवंशी यहीं कहीं होंगे, अच्छा उस मंच पे हैं गया जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए गया जी का। गया प्रसाद अर्कवंशी जी ने ही हमको राममूर्ति अर्कवंशी जी के यहां पहुंचाया और कहा कि इसी नेता को पकड़ो, ये घुमाएगा गांव गांव। इसको घुमाते घुमाते आज
डॉक्टर मनोज जैसे लोग, केपी हरकबंसी जैसे लोग, हजारों लोगों को हमने पकड़ा। पकड़ते पकड़ते पहुंच गए हम लोग हरदोई, सुनील को पकड़ लिया। अब उसके बाद धीरे धीरे लाखों हरकबंसी के बीच में ओम प्रकाश राजभर जाने लगा। और आपसे कह रहा हूं कि 2022 का चुनाव डू और डाई का होगा और उत्तर प्रदेश में अभी बाजा बजेगा। बाजा बजेगा, अभी आपको बाजा बजेगा। एक नारा खाली सुन लो, बंगाल में नारा लगाता ही भाजपा के लोग गल हलो, तो वहां लगल लाल नारा खेला हो बे या नारा लगी कि अब खदेड़ा हो बे। बोलिए कितना लोग खदेड़ा हो बे का नारा लगेबा, लगेगा ना? अब खदेड़ा हो बे। और यहां आए हुए लोगों कान खोल के सुन लो, यहां से जाने के बाद कान खोल के सुन लो, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? अब आपके बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आपके बीच में आ रहे हैं, जोरदार नारा लगाइएगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 सल्ली सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सल्ली सिंह अर्धवंशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सल्ली सिंह अर्धवंशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद। सुन रहे हो भारतीय समाज पार्टी, आज दोनों तालियां उठा के आज स्वागत करें। दोनों तालियां हाथ उठा के माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जीप चलाते हो, जीप चलाते हैं, कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे हरकबंसी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे नौजवानों को, टैबलेट देंगे। बोलने लगे कि हम नौजवानों को टैबलेट देंगे। नौजवान पूछो उनसे कि 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट हमें देते रहे, खिलाते रहे आप? और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो लैपटॉप आपको नहीं देगा। क्या आप सोचते हो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते होंगे? ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उससे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड, लेकिन उनसे कहो कि बिजली कारखाने का नाम बता दो तो शायद उन्हें कई दिल लगेंगे तब याद कर करके बता पाए। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो बिजली के कारखाने का नाम रट रहे हैं अकेले बैठ करके, और हम ये जानते हैं जब तक रट करके तैयार होंगे तब तक सरकार चली जाएगी। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने अगर कहीं लगाए गए तो समाजवादी सरकार में लगाए, उसी का परिणाम है आज बिजली भी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहा है, जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट लगता है, हमारे गरीबों को करंट लगता है। हम आपको भरोसा दिलाएंगे कि सरकार बनेगी
तो उम्मीद से ज्यादा आपको राहत बिजली में देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे याद है उस समय जिस समय समाजवादी सरकार थी, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि हम गांव में एक व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि गांव के घरों में बिजली पहुंच जाए और गांव के गरीबों को बिजली का बिल ना देना पड़े। मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी कलाम साहब की, और जब उनकी सुन करके मैंने कहा कि हम बना देंगे इस कारखाने को, कुछ गांव को हम बिजली का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आप आकर के उद्घाटन करोगे तो हम इसको जल्दी बनवा देंगे। मुझे याद है कन्नौज में एक गांव में हम लोगों ने बिजली का सोलर का प्लांट लगवा दिया, 3 महीने में तैयार कर दिया, और 3 महीने में तैयार करा करके उस गांव को बिजली देने का इंतजाम कर दिया। और जब तैयार हो गया तो जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब उनको बुलाया मैंने, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद उस गांव में लगातार फ्री बिजली मिलती थी, उन्हें बिल नहीं आता था। वो चक्की चलाना चाहे चक्की चला ले, खेत में पानी देना चाहे पानी का इंतजाम कर ले, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, सड़क के लिए, उनके मोहल्लों में लाइट लगा दी, ऐसे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अगर वही योजना हमें गांव-गांव लागू करनी पड़ी तो समाजवादी लोग उसको बजट में ला करके अपने गांव के लोगों को फ्री बिजली देने का काम भी इस तरह उस तरीके से करने का काम करेंगे। आज हमारा विकास रुक गया यूपी का, बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में जहां पर निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वो आकर के चले गए, एमओयू साइन हो गए, बड़ी बड़ी योजनाओं का एमओयू साइन हुआ कि ये आएगा कारखाना, ये उद्योग लगेगा, लेकिन बताओ 4.5 साल हो गए पूरे, कौन सा कारखाना लगा है? हरदोई के लोगों बताओ कौन सा नया कारखाना लग गया? कोई कारखाना नहीं लगा पाए। हरदोई में वही संडीला में कारखाना चल रहे हैं जो समाजवादी सरकार में लगे थे। मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, ये जरूर कह रहे हैं कि हवाई अड्डा में एशिया का कवर लगा रहे हैं, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना रहे हैं, लेकिन हरदोई में संडीला में सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं लगाया गया था पेप्सी का, पानी का, जूस का, तो समाजवादी सरकार ने संडीला में लगवाने का काम किया था। आज भी वो प्लांट चल रहा है, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा है वो समाजवादियों ने लगवाया। और ये कौन सा प्लांट एयरपोर्ट बना रहे हैं? एशिया का। और तब जब सरकार का समय खत्म हो गया तब लगा रहे हैं। और ये प्लान, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है, एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। और फिर एशिया का क्यों सबसे बड़ा बना रहे हो? समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वो एयरपोर्ट सरकार का रहेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी देखा होगा सड़क पर हवाई जहाज उतारे, अभी सड़क पर हवाई जहाज उतारे गए थे, ये काम तो समाजवादी लोग 5 साल पहले कर करके कर दिया था, ये नया काम नहीं है, समाजवादी 5 साल पहले कर करके छोड़ चुके हैं। जितने काम समाजवादियों ने किए वो काम आगे नहीं बढ़ पाए। ये एम्बुलेंस जो मंगाते हैं आप लोग बीमारी और तकलीफ में, समाजवादियों की देन है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद था, सब तकलीफ और परेशानी में थे, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो ये एम्बुलेंस आकर की मदद कर रही थी। ये एम्बुलेंस किसी ने बनाई है, लगाई है आपकी मदद के लिए, तो समाजवादियों ने लगाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अभी तो फ्री एम्बुलेंस है गरीबों के लिए, समाजवादी सरकार बनेगी तो गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी गरीबों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाज उनका मुफ्त होगा, ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। पुलिस के लिए भी 100 नंबर दिया था,
पुलिस के लिए भी 100 नंबर समाजवादियों ने दिया, 100 नंबर 112 हो गया। और पता नहीं क्या किया, पहले तो पुलिस ठीक थी, पता जब से नंबर बदला ये भी बदल गए थोड़ा। 100 नंबर था तो ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जैसे ही 112 हुआ पुलिस भी बदल गई। और ये नोटबंदी की बाद जो 1000 बंद हुआ 2000 आ गया, अब इनका हिसाब किताब भी बदल गया। ये जो 100 नंबर का इंतजाम किया था वो इसलिए कहता है गरीबों की मदद हो, अगर कहीं खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में कोई झगड़ा हो जाए तो आपको थाने ना भागना पड़े, उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था कि आप फोन मिलाएं, पुलिस आपके पास आ जाए और मदद करने का काम करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं, हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए, एक परिवार के 4 लोग मार दिए गए। बताओ कौन दोषी है उसके लिए? उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। कौन नहीं जानता गांव में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, कौन नहीं जानता कि रास्ते के लिए झगड़ा हो जाता है, कभी मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाता है। ये जो इलाहाबाद में जान गई है 4 लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जान गई है। वो परिवार घूमता रहा कभी थाने में, कभी तहसील में, डीएम पर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और उसका परिणाम यह हुआ कि 4 परिवार के सदस्यों की जान लेनी गई। यह है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जब हम और आप लोग यहां मैदान में खड़े हैं, बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है, दुख होता है जब जानकारी ऐसी हासिल होती है। 3 साल की बेटी के साथ क्या घटना हो गई बनारस में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार। और याद कीजिए कासगंज, जहां पर 2 फीट ऊंचाई पर नल लगा था, उससे जान लेनी होगी क्या किसी ने? याद कीजिए वो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, एक व्यापारी अपना व्यापार करने आया, पुलिस के लोग घुस गए जाकर के, केवल वसूली चाहते, वसूली कर रहे थे, उसको इतना पीटा जान चली गई। ये तो 2-4 घटनाएं बता रहा हूं मैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ बताओ, दलित बेटी के साथ क्या हुआ? लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। और हमारा कौन भूल जाएगा, किसान भाई जो हमने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा? नहीं न्याय मिलेगा। और अगर न्याय चाहते हैं आप सब लोग, तो जिस तरीके से समाजवादियों ने 100 नंबर पुलिस को दिया था, हम चले जाएं सभा से, आप पूछना पुलिस के लोगों से, कभी इतना प्रमोशन पुलिस में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने किया। और ये 100 नंबर भी जो व्यवस्था दी है, ये दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को देने का काम हुआ है। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार बनेगी तो पुलिस का इंतजाम और कैसे बेहतर कर सके, कैसे सरकार गरीब को न्याय दिला सके, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। इसलिए जहां किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के नाम पर वोट ले रहे थे, गांव गांव सिलेंडर भेज दिया था, बताओ हमारी माताएं बहनें कितना सिलेंडर भरा पा रही हैं? कोई भरा पा रहा है सिलेंडर के नहीं भरा पा रहा है? कितने रुपए का हो गया सिलेंडर आप? 1000 पहुंच गया, और पेट्रोल 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये सरकार रहेगी तो हो सकता है 150 भी पहुंचा दे पेट्रोल।
सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगी, और बताओ कड़वा तेल कितना महंगा हो गया, सरसों का तेल। सोचो हिसाब किताब कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। जो किसान सरसों पैदा करता है उसको कीमत नहीं मिल रही, जो किसान सरसों पैदा कर रहा है उसको कीमत वहां नहीं दे रहे, और जब वही गरीब सरसों का तेल खरीदे तो बताओ कितने रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। और सुनने में आया है अब गरीबों को ये लोग जहां बांट रहे हैं केवल मार्च तक दे रहे हैं, चुनाव की वजह से बांट रहे हैं खाना। जो अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है वो चुनाव तक बांटा जा रहा है। पहले नवंबर तक बट रहा था, अब कह दिया मार्च तक बटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि मार्च के बाद सरकार ही नहीं रहेगी उनकी। इसे गरीब भाई बहनों माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं गरीबों को, क्या समाजवादी सरकार बनेगी उससे भी बेहतर अगर हमें अनाज और इंतजाम करना पड़ेगा खाने पीने का, तो समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे। और ये सरसों का तेल नहीं दे रहे आपको खाने में, जो सरकार खरीदने का इंतजाम कर रही है वो सरसों का तेल नहीं है, वो मिलावट का तेल ला रही है गरीबों के लिए। जो तेल आपको मिलेगा सरसों का तेल, वो सरसों का तेल नहीं है, वो कोई मिलावट का तेल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि ये सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम इसमें मिलावट नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है, और जो मिलने जा रहा है तेल वो मिलावट वाला मिलेगा। और पता नहीं कौन सी मिलावट कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। माता और बहनों याद कीजिए, समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपया आपको समाजवादी पेंशन मिलती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अगर हमें सम्मान में कोई और योजना चलानी पड़ी और इस महंगाई में 500 से ज्यादा देना पड़ा, 500 का 3 गुना भी करना पड़ा, तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान में हम लोग ज्यादा राशि उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, चुनाव में समय समय बाकी है, अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। इसे समय आने पर हम लोग अपनी माता बहनों के सम्मान में कोई न कोई योजना लाने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए देते थे, लेकिन इस समय महंगाई बढ़ी है और 5 साल बीजेपी के लोग रहे हैं, इसलिए हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी लोग इंतजाम करने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर जहां अर्गवंशी समाज के लोग इकट्ठे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन में, राममूर्ति सुनील अर्गवंशी जी, विशाल अर्गवंशी और इनके तमाम सहयोगी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि महाराजा सलई सिंह अर्गवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पे आपने हम लोगों को बुलाया। जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया है तो संकल्प भी ले आने वाले समय में कि जो चुनाव होगा उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने पीछे कर दिया, सड़कें बनाई नहीं, जितनी सड़कें बनी समाजवादी सरकार में बनी, लखनऊ से लेकर के हरदोई तक चौड़ी सड़क बन रही थी, उतनी ही बनी जितनी सरकार में बनी थी। आपके पुलिस की 100 नंबर 112 कर दी, लेकिन पुलिस को बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खराब कर दी। और कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा है कि जब गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, जब बीमारी में मदद की जरूरत थी, उस समय सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, गरीब अपने आप भागता रहा, कभी दवाई के लिए, कभी बिस्तर के लिए और कभी ऑक्सीजन के लिए। इस सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। जो ये कहते थे कि दुनिया में हमारा डंका बजता है, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से लाशें गंगा में बह रही थी, गंगा में लाशें बह रही थी। ऐसी खराब व्यवस्था कहीं नहीं हुई होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो माँ गंगा को भी झूठ बोल करके उसको सफाई के लिए नारा दिया था, लेकिन आज भी साफ नहीं हुई।
हो सकता है यहाँ पर गोमती साफ हो, लेकिन जैसे ही शहर में पहुंचती है गोमती गंदी हो जाती है। अगर नदियों को कोई साफ करने का इंतजाम कर रहा था तो समाजवादी लोग कर रहे थे, इन्होंने न गोमती साफ की न गंगा में जुड़ने वाली कोई नदी को साफ किया है। अगर कहीं गंदगी सबसे ज्यादा बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंदगी बढ़ाने का काम किया है। इस मौके पर हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको एक बार फिर बधाई देते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप लोग इनके खिलाफ निकलेंगे मतदान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। ऐसी हार भारतीय जनता पार्टी ने देखी नहीं होगी जैसी हार होने जा रही है। और मैं हर बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ, हमारे साथी भी कहते हैं कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी उस रास्ते को बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में किसान भाई नौजवानों सब एक होकर के इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं अनिल वर्मा जी पूर्व विधायक, उनका भी स्वागत करते हैं और दूसरे हमारे उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथी कह रहे हैं कि सनीला में गर्ल्स कॉलेज हो, ओवर ब्रिज हो, आप सरकार बनाइए, हमें सनीला के लिए जो भी इंतजाम करना पड़ेगा वो हम लोग इंतजाम कर करके इसको भी विकास से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अपने घनश्याम अर्गवंशी जी जो ग्राम प्रधान है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्हीं के वजह से आज हम लोग इस स्थान पर इतनी बड़ी सभा कर पाए, उनको बहुत बहुत बधाई। संत नारायण जी का भी बहुत बहुत स्वागत, पूर्व विधायक जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आई हुई जनता का बहुत बहुत स्वागत। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें, यही संकल्प लेकर के जाएं। आज बोलो भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाएंगे, बदलाव आएगा कि नहीं होगा बदलाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।